तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ डिस्टेंस के बारे में कि मींस जो कि हमारे क्या होते हैं बहुत लार्ज डिस्टेंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस होते हैं, तो उनको आप किस तरीके से मेज़र कर सकते हो, साथ साथ उनकी वैल्यू क्या आती है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो उसमें से जो सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है लाइट ईयर की। देखो बेसिकली लाइट ईयर, अगर आप नाम को देखो तो नाम से आपको लगेगा लाइट ईयर, ईयर मतलब कि बेसिकली टाइम, तो आपको लगेगा कि ये एक टाइम की यूनिट है, बट ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये आपकी क्या आती है डिस्टेंस की यूनिट आती है। लाइट का मतलब होता है बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वन ईयर, मींस एक साल में पूरे वन ईयर में जो लाइट है उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर। इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे डिस्टेंस आपका क्या होता है बेसिक फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको पता है जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ आपकी होती है, और टाइम, टाइम आपका कितना यहां पर दिया हुआ लाइट ईयर, ईयर का मतलब वन ईयर, और टाइम आपका यहां पर क्या हो गया वन ईयर आपका हो गया। इस वन ईयर को क्या कर देंगे हम अपना सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जो हम यहाँ पर अपनी स्पीड ले रहे हैं लाइट की वो भी हम मीटर पर सेकंड में आपकी ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो एसआई यूनिट है वो सेकंड है, तो उसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 365 डेज हो गए वन ईयर में, फिर आपके अब क्या हो गए 24 आवर्स हो गए एक दिन में, और फिर 60 मिनट्स हो गई आपकी क्या एक आवर में, और 60 सेकंड हो गई आपकी क्या एक मिनट में। तो ये आपका क्या आ गया, ये जो वन ईयर में आपके टोटल कितनी सेकंड्स होंगी ये उसकी वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर हम जो टाइम की वैल्यू वो हमें पता चल गई, और जो हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है सी उसकी वैल्यू पता चल गई। तो हम अपने डिस्टेंस के फॉर्मूले में रख देंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू जो स्पीड ऑफ लाइट है इनटू जो टाइम है, सबको मल्टीप्लाई करके जो लाइट ईयर की जो फिक्स वैल्यू आ जाती है वो आपकी आ जाती है 9.46 × 10⁵ मीटर। ये आपकी क्या आ जाती है लाइट ईयर की वैल्यू आपकी आ जाती है। आगे बात करते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अर्थ और सन, जो आपकी अर्थ है और जो आपका सन है, इन दोनों के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, ये जो पूरा एक डिस्टेंस हो गया, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको बोलते हैं। इसकी जो फिक्स वैल्यू होती है वो आपकी किसके इक्वल होती है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.49 × 10⁻¹¹ ये आपकी वैल्यू होती है। इसको आप किस तरीके से निकाल सकते हो, इसको हम बेसिकली अपना जो पैरेलेक्स मेथड या फिर बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन जो मेथड है उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सन हो गया और हमारे पास ये अर्थ है, यहाँ से हम क्या भेज सकते हैं एक लेज़र बीम भेज सकते हैं, साउंड एनर्जी मतलब हमारे पास क्या भेज सकते हैं लेज़र बीम भेज सकते हैं, फिर हमें अपना टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा वो एक्स आ जाएगा, जाने का भी एक्स और मेरे पास डिस्टेंस आने का भी एक्स, और मैं टाइम नोट कर लूँगा कि मेरे पास किस टाइम मैंने भेजा था और किस टाइम, तो मेरे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, और मेरे पास स्पीड ऑफ बीम तो मुझे पता है वो तो 3 × 10⁸ ही मेरे पास होगी, तो मेरे पास स्पीड मेरे को पता चलेगी और मेरे को क्या है टाइम मेरे को पता है, तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा इस डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लूंगा, जो कि मेरे पास किसके इक्वल आएगी 1.49 × 10⁻¹¹ मीटर के इक्वल आती है। ये हमारे पास क्या आ जाते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ जाती है। आगे बात करते हैं वन पार्सेक। वन पार्सेक का मतलब क्या होता है, वन पार्सेक का बेसिकली मतलब होता है इफ़ द आर्क ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेक्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड एट द सेंटर द डिस्टेंस ऑफ द आर्क फ्रॉम द पॉइंट इज नोन एज वन पार्सेक। तो बेसिकली ये क्या मतलब क्या चीज़ हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका पॉइंट है, तो एक पॉइंट से आपने क्या किया इस पर आपने क्या की आपने यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर मेजर किया और ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी यहाँ पर आर्क बन गई। तो ये जो आर्क है अगर इसकी वैल्यू क्या हो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो और यहाँ पर जो आपका बीच में जो डिस्टेंस बन जो आपका एंगल बन रहा है वो आपका 1 सेकंड के इक्वल हो, तो ये जो पूरा जो बीच में जो ये जो रेडियस आएगी आपकी ये किसके इक्वल आएगी, ये आपकी आर मतलब बेसिकली 1 पार्सेक के इक्वल आएगी। तो इस पार्सेक की वैल्यू हम निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगी वो, जैसे हमारे पास थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास सॉरी आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी आर्क अपॉन थीटा के इक्वल आ जाएगी। अब आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखो आपको पता है एल, एल मतलब कि आर्क, आर्क कितनी है हमने स्टार्टिंग में देखी थी वो थी मेरे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसकी वैल्यू होती है 1.5 × 10⁻¹¹, और थीटा, थीटा किसके इक्वल आएगा, थीटा यहाँ पर कितना है 1 सेकंड को मैं अगर उसमें रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो 1 सेकंड का मतलब होता है 1/60 मिनट, और 60 मिनट को मैं किस चीज़ में डिग्री में कन्वर्ट करूँगा तो उसको 60 से फिर से क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा, फिर ये आपके पास क्या आ गया डिग्री में आ गए, डिग्री में से फिर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 80 से आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। डिग्री को अगर आप पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये थीटा की वैल्यू होगी वो जो कि वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी, और आर की वैल्यू आपने निकाल ली जो कि किसके को लाएगा 3.1 × 10⁻¹⁶ मीटर के इक्वल आपकी वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आपसे पूछी जाती है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है कि वन पार्सेक की वैल्यू कितनी होती
है। साथ साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो वन पार्सेक होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो वो होती है आपकी इफ़ द आर्क ऑफ द वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेक्स एन एंगल ऑफ वन सेकेंड एट द सेंटर देन द डिस्टेंस ऑफ द आर्क फ्रॉम द पॉइंट इज नोन एज वन पार्सेक। तो ये आपकी पार्सेक की जो डेफिनेशन है और साथ साथ जो आपकी वैल्यू है वो दोनों आपकी आगे इस तरीके से आपकी कुछ जो इनडायरेक्टली मेजरमेंट होती है ये सारी वैल्यूज आपकी आ जाती हैं।